यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सिक्स सर्किट के जज डेमन कीथ ने कहा था कि बंद दरवाजों के पीछे लोकतंत्र की हत्या होती है। जब सरकारें दरवाजे बंद करना शुरू करती हैं तो वो अपने मन मुताबिक इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल करती हैं, वो इंफॉर्मेशन जिस पर आम जनता का पूरा हक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को भी मिस इन्फॉर्मेशन ही कहा जाएगा। हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज, और हम एक बार फिर लेकर आए हैं वीकली फैक्ट चेक, जिसमें हम नजर डालेंगे बीते हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक पर। सबसे पहले बात मियां खलीफा की, जिनके बारे में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पोस्टर को केक खिला रहे हैं। बीजेपी सदस्य और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सुरेंद्र पुनिया ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मियां खलीफा के पोस्टर को केक खिला रहे हैं। सुरेंद्र पुनिया हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ट्विटर पर खुद को रिटायर्ड मेजर नहीं बल्कि मेजर बताते हैं। इन्हें इससे पहले भी कई बार गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए देखा गया है। एक और भाजपा सदस्य राज आनंद सिंह ने भी ये तस्वीर ट्वीट की। इनके ट्वीट की भाषा काफी छिछली थी, और साथ ही इन्होंने फिल्म एक्टर स्वरा भास्कर और पत्रकार आरफा खानुम को भी ट्वीट में मेंशन किया। जबकि इस तस्वीर का एक साधारण सा रिवर्स इमेज सर्च करने पर यह पता चल जाता है कि असलियत कुछ और ही है। इस तस्वीर में जिस पोस्टर को केक खिलाया जा रहा है उस पर मियां खलीफा नहीं बल्कि राहुल गांधी की तस्वीर थी। ये मौका था राहुल गांधी के जन्मदिन का, और ये तस्वीर खींची गई थी 19 जून 2007 को। असल में राहुल गांधी के 37वें जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के मेंबर्स तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के सामने ये केक काट रहे थे। इसी मौके पर खींची इस तस्वीर को एडिट किया गया और उसमें राहुल गांधी की जगह मियां खलीफा की तस्वीर लगा दी गई। यहीं पर यह भी बता दें कि एडिटेड तस्वीर में मियां खलीफा ही इसलिए दिखाई दी क्योंकि मियां ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन कर रहे किसानों को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट चेक की तरफ, जो एक बार फिर किसान प्रदर्शनों से ही जुड़ा है। नहीं इस प्रदर्शन में कोई कमी आ रही है और नहीं इससे जुड़ी गलत जानकारियों। सोशल मीडिया पर एक दावा काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए किसानों को हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि वायरल हो रहे इन दावों में कहीं भी 26 जनवरी या ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई किसी हिंसा का जिक्र नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस ने 122 लोगों को गिरफ्तार किया था और 44 FIR दर्ज की थी। हाईकोर्ट के इस कथित आदेश से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। ऑल्ट न्यूज ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट सर्च की। हमें ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की बात कही गई हो। किसान आंदोलन से जुड़े 122 लोगों को एक ही बार में अगर रिहा कर दिया जाता तो ये खबरों में जरूर होता। लेकिन इसके उलट दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश भी दिए कि वो दर्ज की गई FIRs पर जल्द से जल्द जांच करे। इसके साथ ही कोर्ट ने जोर देते हुए ये भी कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर जब तक FIR और उसकी जांच नहीं हो जाती उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। हमने दिल्ली पुलिस के एडिशनल PRO अनिल मित्तल से भी संपर्क किया। उनसे जब हमने इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय बिस्वाल को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब बारी है फैक्ट चेक नंबर 3 की, जहां केंद्र में है एक वायरल होता वीडियो जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मराठी भाषा में बातचीत करने का एक वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। वीडियो में हरिभाव नामक एक व्यक्ति पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात करता है तो प्रधानमंत्री मोदी उसे बैठने के लिए कहते हैं। ट्विटर हैंडल @AZControl ने यह वीडियो ट्वीट किया, जिसे कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक सरल पटेल ने कोट ट्वीट किया। देखते देखते ये खूब शेयर किया जाने लगा। आप ये वीडियो देखिए। हरिभाव हरिभाव बोला काय म्हणताय? राम राम। नमस्ते, काय म्हणताय? ते पेट्रोलचे भाव वाढले। बसा बसा बसा। हमने इस वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई एक अलग वीडियो रिपोर्ट में दिखाई है, लेकिन ये इतना ज्यादा शेयर किया गया है कि इसे हम अपने इस वीकली फैक्ट चेक में भी शामिल कर रहे हैं। असल में बातचीत 2018 की है। उस वक्त नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। वहीं पर हरिभाव नाम के व्यक्ति से जो बातचीत हुई उसे एडिट करते हुए ये कथित फनी वीडियो बनाकर शेयर किया गया है। आप असली वीडियो और उसमें हो रही बातचीत खुद देखें और सुने। हरिभाव हरिभाव बोला काय म्हणताय? नमस्ते सर। नमस्ते, काय म्हणताय? ठीक है सर। बसा बसा बसा। हाँ बोला। तो थोड़ा मराठी येत आहेत की नाही? नाही सर। वाह, ये चलता है क्या? तो अब बारी है हमारे अगले फैक्ट चेक। व्यूअर्स को बता दें कि सभी फैक्ट चेक्स और सिर्फ यही नहीं और भी फैक्ट चेक रिपोर्ट्स आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी के पाठक altnews.in/hindi पर जाएं। अगला फैक्ट चेक है अमित शाह से जुड़ा हुआ, जिनके बारे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने
संसद में कहा कि वो जाकर रवीन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 8 फरवरी को संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान गृहमंत्री को लेकर एक दावा किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह शांति निकेतन के दौरे के समय बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने यह कहा कि रवीन्द्रनाथ का जन्म शांति निकेतन में हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहाँ उनका जन्म हुई या नहीं। आप अचानक कह रहे हैं कि शांति निकेतन में जन्म हुई है, लोग हंस रहे हैं। हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। अमित शाह 20 और 21 दिसंबर 2020 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने शांति निकेतन में स्थित रवींद्र भवन में कवि रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 20 दिसंबर 2020 को उन्होंने इस मौके से जुड़ा एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की थी। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर वो थी जिसमें वो एक दीवान पर बैठकर एक किताब में कुछ लिखते नजर आ रहे थे, और एक अन्य तस्वीर में वो एक कुर्सी पर फूल अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। यहीं से दावा वायरल हुआ कि वो रवींद्र भवन में टैगोर की कुर्सी पर बैठ गए थे, जहां आज तक कोई और नहीं बैठा था। जबकि असलियत यह है कि जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं वो रवीन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी नहीं है। गृह मंत्री इस तस्वीर में विजिटर्स बुक पर साइन कर रहे हैं, जहां बैठकर साइन करने की पूरी व्यवस्था की गई है। हमने जब नरेंद्र मोदी की वेबसाइट narendramodi.in खंगाली तो एक और तस्वीर दिखी। ये 25 मई 2018 की। इस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया था। शेख हसीना को भी उसी जगह बैठकर विजिटर्स बुक साइन करते हुए देखा जा सकता है। अमित शाह ने बाद में लोकसभा में इस आरोप पर अपनी बात सामने रखी। माननीय मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है, और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं, और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं। और अब बात करेंगे जेपी नड्डा के भाषण की। अधीर रंजन ने कहा कि जेपी नड्डा ने अपने भाषण में बोला कि टैगोर का जन्म शांति निकेतन में हुआ। यह भी गलत दावा था। असल में जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा था कि पश्चिम बंगाल विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है, विश्व भारती यहां है, रवीन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। यानी वो पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहे थे कि यही विश्व भारती है, और यही यानी पश्चिम बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए थे। उनके भाषण का यह हिस्सा आप खुद देखिए। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है, और पश्चिम बंगाल को विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से हालांकि यहां पर ये फैक्ट चेक खत्म हो जाता है, लेकिन मैं सभी का ध्यान अमित शाह की कही इस बात पर भी खींचना चाहूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि सब जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है। माननीय, अब आप उस मौके को याद करिए जब अमित शाह ने दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के मारे जाने के बारे में बगैर फैक्ट्स देखे, इन्फॉर्मेशन को जांचे, सोशल मीडिया पर चल रहे नैरेटिव को 11 मार्च 2020 को लोकसभा में सभी के सामने रखा था। कोई भी धर्मस्थान चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जाना। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती था, सदन की शोभा बढ़ती। तो अमित शाह का कहना था कि अंकित शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस संख्या को बेहद कम बता रही थी।
13 घावों को उन्होंने सदन में 400 कर दिया। यहां किसी भी हाल में 13 घावों की वकालत नहीं की जा रही है। घाव एक भी हो वो अक्षम्य अपराध है। लेकिन सवाल यह है कि देश के गृहमंत्री, जिनके कंधों पर देश के तमाम मसलों की तरह आंतरिक सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो धार्मिक उन्माद के माहौल में हिंसा की ऐसी भयावह तस्वीर सामने रखते हैं जो सच्चाई से बेहद दूर होती है और जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के लिए ही किया जा रहा हो। ये सदन की उसी गरिमा को कितनी क्षति पहुंचाता है जिस गरिमा का जिक्र उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किया। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें जिससे मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी और मजबूत हो सके। मेरा नाम है केतन। ऑल्ट न्यूज़ को यूं ही सपोर्ट करते रहें, ऑल्ट न्यूज़ में अपना भरोसा यूं ही बनाए रखें। आपका भरोसा हमारी ताकत।